बात करते हैं वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे की, जिसका काम पूरा हो गया है और कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कल काशी कोर्ट में पेश करेंगे। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि मस्जिद के अंदर एक तालाब में शिवलिंग मिला है, जिसके बाद अदालत ने उस तालाब को सील करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन ने दावा किया कि गुंबद के पास से तालाब का पूरा पानी निकाला गया। नंदी जी के सामने 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग पाया गया है। वादी महिला लक्ष्मी देवी के पति सर्वे रिपोर्ट में शामिल हैं। टीम में शामिल सदस्य सोहनलाल आचार्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम पश्चिमी दीवार के मलबे की जांच की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने BJP पर निशाना साधा और कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद थी और रहेगी। हालांकि ओवैसी को BJP ने करारा जवाब दिया। उधर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, ज्ञान व्यापी परिसर के सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टिकरण से नहीं चलेगा। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव ना डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश ना करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञान मापी का मामला कोर्ट में है। कमीशन कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कमिश्नर महोदय को 17 तारीख तक कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। कल रिपोर्ट दाखिल होगा, सारे संशय तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर जिन जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी ने इंगित किया, सभी के कहने पर, सभी के सुझाव पर कमीशन कार्रवाई हुई है। किसी कोई आपत्ति नहीं हुई वहाँ पर। सब संतुष्ट है कार्रवाई से। देखिए, ये काशी की नगरी है। अब काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। हरा हरा महादेव। देखिए, हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई। और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। कानूनी कार्रवाई या रिपोर्ट दाखिल होगी, रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायालय इसको पुष्ट करती है, फिर साक्ष्य स्तर पढ़ी जाती है, फिर बहस होता है, तो फैसला होता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, बनारस में कहा जाता है कि बाबा की माया को बाबा ही जाने, कुछ इसी तरीके से यहां भी कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट किसी के सामने है नहीं, तथ्य अलग अलग, दावे अलग अलग, मानकर चले कोर्ट के जरिए ही स्थिति स्पष्ट होगी। अब बिल्कुल देखिए, ये जो सर्वे कराई गई थी अदालत के आदेश पर, और यहाँ पर जो 3 कमरे हैं, यहाँ पर सर्प कलश है, घंटियां हैं, स्वास्तिक हैं, संस्कृत के श्लोक हैं लिखे हुए दीवारों पर, स्वान की मूर्तियां मिली हैं। और आज आखिरी दिन सर्वे का था, और आज जो वहां पर जो जहां पर वजू किया जाता है, उस जगह पर नीचे एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। और ये कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है, इसको जहां पर नीचे वो पानी के नीचे दबा हुआ था, तो जैसे ही बात सामने आई, उसके बाद अदालत ने भी गुहार लगाई है। उसके बाद अदालत ने इस जगह पर सील करा दिया है, वहां CRPF भी तैनात कर दिए थे, और जो सर्वे में सारे सबूत मिले हैं, जो भी कैद हुए हैं, चाहे वो वीडियोग्राफी है, चाहे कागजों पर जो भी दर्ज किया है, रिपोर्ट उस पेश की जाएगी अदालत में, और उसके बाद अदालत
लोग तय करेगी कि इस मामले में अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पांच महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए ही मत दायर किए हैं। अब उनके अब के लिए सर्वे कराया गया है, उसके बाद कल रिपोर्ट दायर सर्वे की सारी जानकारियां हम करेंगे, उसके बाद रूप तय करेंगे इस मामले में अगला कदम क्या। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, अगर जिस तरीके की बात की जा रही है, अगर वो सब सच है तो फिर ये मामला श्रृंगार गौरी से आगे बढ़ता हुआ कहीं और तक जाएगा? देखिए, यहाँ पर श्रृंगार गौरी से अलग ही स्थल है, तो जाहिर सी बात है कि ये अगर श्रृंगार यहाँ पर है इसकी जांच होगी तो ये अलग मुद्दा हो जाएगा। और ये जाहिर सी बात है, तो बार बार कही जाती है कि जो वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ धाम का जो मुख्य मंदिर है, जो मुख्य शिवलिंग है, वो अलग है। वो जो शिवलिंग है आज विश्वास किया जा रहा, अगर ये बड़ी शिवलिंग है तो जाहिर है कि ये मामला श्रृंगार गौरी कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा। जी ज्ञानेंद्र जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।